वेलकम स्टूडेंट्स, कक्षा 10 प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो हमें ये जो समीकरण दे रखी है इनको जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, इस समीकरण को देखना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहले ये देख लेते हैं द्विघात समीकरण क्या होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। यदि कोई समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो इस रूप में हो तो ये द्विघात समीकरण कहलाती है, क्योंकि इसमें एक्स घात अधिकतम 2 है। एक्स घात 2 है और इसमें ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये द्विघात समीकरण होगी। एक्स घात अधिकतम 2 हो और ए का मान 0 नहीं हो, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं हो, तो ये द्विघात समीकरण होगी। अगर ये समीकरण इस रूप में है तो ये द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है। तो हम करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको हम इस फॉर्मूले से लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर उस फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक्स को ए मान लिया और ये बी मान लिया, एक को एक्स को ए मान लेते हैं और एक को बी मान लेते हैं। तो इस फॉर्मूले के आधार पर करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। एक्स ए क्या है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ए है एक्स और बी है एक, तो ये गुणा में आ जाएंगे प्लस बी, बी का स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर बराबर। इसको खोल लेते हैं, 2 को एक्स से गुणा करेंगे तो 2x माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 दुना 6। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को x से गुणा किया तो 2x और 1 से करेंगे तो वही 2x आएगा, 2x और 1 का वर्ग 1 ही होता है बराबर 2x माइनस 6। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का 2x है तो ये इधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा और ये माइनस का 6 है तो इधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो बराबर 0। ये दोनों संख्याओं को लेफ्ट साइड लिया है तो राइट साइड में क्या होगा, 0 के बराबर होगी ये समीकरण। अब एक्स स्क्वायर 2x प्लस के हैं और ये 2x माइनस के, तो ये कट गए तो ये बच गया एक्स स्क्वायर 6 प्लस के और 1 प्लस का, तो 6 × 1 = 7 बराबर 0। तो यहाँ पे एक्स की घात 2 है, एक्स घात 2 है, तो यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रूप की समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। तो इसमें एक्स स्क्वायर है और बी का मान 0 हो सकता है, बी का मान 0 है तो 0 को एक्स से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा और सी का मान इसमें 7 है। तो यहाँ पे हमको देखना है एक्स की घात देखनी है, तो ये एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 2 × 3 = 6, ये माइनस माइनस प्लस, 2 को एक्स से गुणा करेंगे तो 2x। इनको लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये तो लेफ्ट साइड में है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस का 6 और प्लस का 2x हो जाएगा माइनस का 2x बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x हो गया माइनस के 4x, ये माइनस माइनस के 2x जुड़ जाएंगे तो माइनस के 4x प्लस 6 बराबर 0। तो एक्स की घात यहाँ पे कितनी है, 2। अतः यह है द्विघात समीकरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इनको सॉल्व करते हैं। इस x से इस पूरे समीकरण को सॉल्व करते हैं, इस x दो माइनस दो से इसको पूरे को, इसी प्रकार इस x से x प्लस तीन को गुणा करेंगे और माइनस एक को x प्लस तीन से गुणा करेंगे। तो कर लेते हैं x, तो इससे पूरे से गुणा करेंगे तो इसके साथ लिख लेते हैं x प्लस वन, फिर माइनस दो को गुणा करेंगे x प्लस वन से, इसी प्रकार x से गुणा करेंगे x प्लस तीन को, और इसी प्रकार माइनस वन को गुणा करेंगे x प्लस तीन को। x को x से गुणा करेंगे तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस x को एक से गुणा करेंगे तो x, माइनस दो को x से गुणा करेंगे तो 2x, प्लस माइनस माइनस दो को एक से गुणा करेंगे तो 2। x को x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस तीन को x से गुणा करेंगे तो 3x, माइनस 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 एक को x से गुणा करेंगे तो x, प्लस माइनस माइनस तीन को एक से गुणा करेंगे तो 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये राइट साइड में जो भी संख्या हैं उनको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स माइनस दो एक्स माइनस दो, इधर ले आए तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस के तीन एक्स हो जाएंगे माइनस के तीन एक्स, और माइनस का एक्स हो जाएगा प्लस का एक्स, और माइनस का तीन हो जाएगा प्लस का तीन बराबर जीरो। ये पूरी राशि को लेफ्ट साइड में ले आए। अब देखो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर ये कट गया, माइनस के दो एक्स और माइनस के तीन, तो ये हो गया माइनस के पाँच एक्स, प्लस का एक्स और प्लस का एक्स हो गया प्लस के दो एक्स, और माइनस के प्लस के तीन और माइनस के दो, तो प्लस के तीन में से माइनस का दो गया तो बच गया प्लस का एक बराबर जीरो। माइनस के पाँच एक्स में से प्लस के दो एक्स गए तो माइनस के तीन एक्स बच गए, और ये प्लस एक बराबर जीरो। तो यहाँ पर x की घात, यहाँ कुछ घात नहीं है, इसका मतलब एक है, तो घात एक है, अतः यह है द्विघात समीकरण नहीं है। घात एक है इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, दो घात होती तो द्विघात समीकरण होती। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, तो एक्स को इस पूरी संख्या से गुणा करते हैं, फिर माइनस तीन को इस पूरी संख्या से गुणा करते हैं, और इसको एक्स को इससे गुणा कर लेंगे, तो एक्स तो इसको गुणा करेंगे दो एक्स प्लस वन से, माइनस तीन इसको कर लिया दो एक्स प्लस वन बराबर, इसको इससे गुणा किया तो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस है तो प्लस आ गया, पाँच को एक्स से गुणा करेंगे तो पाँच एक्स, इसको इससे गुणा करते हैं दो एक्स को एक्स से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को एक से गुणा किया तो एक्स, माइनस तीन दुना छः, माइनस का चिन्ह इसलिए माइनस आ गया, तीन दुना छः और एक्स, प्लस माइनस माइनस तीन को एक से गुणा करेंगे तो माइनस के तीन, माइनस इसको इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया, और ये माइनस के पाँच एक्स हो गया बराबर जीरो। दो एक्स स्क्वायर में से माइनस का एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर बच गया, माइनस के पाँच एक्स और माइनस का छः एक्स, तो माइनस के हो गए ग्यारह एक्स, इसमें से एक एक्स प्लस का गया तो बच गया माइनस के दस एक्स और माइनस का तीन बराबर जीरो। तो एक्स की घात इसमें अधिकतम कितनी है, दो, अतः यह द्विघात समीकरण है। चाहे तो और अच्छी तरह लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो रूप की समीकरण है, इस तरह लिख सकते हैं अपन इसको। नेक्स्ट पांचवा सवाल, दो एक्स को इस पूरे से गुणा करेंगे, फिर माइनस एक को इस पूरे से गुणा करेंगे, इसी प्रकार एक्स को इस पूरे से गुणा करेंगे और पाँच को फिर इस पूरे से गुणा करेंगे। तो करते हैं दो एक्स, इसको पूरा को लिख लिया एक्स माइनस तीन, माइनस एक्स माइनस एक इसको लिख लिया एक्स माइनस तीन बराबर, ऐसे लिख लिया एक्स एक्स माइनस वन प्लस पाँच
एक्स माइनस वन, दो एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो दो एक्स को एक्स से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस आ गया, तीन दुना छः एक्स आ जाएगा, ये माइनस है, एक्स को एक से गुणा करेंगे तो एक्स माइनस का माइनस माइनस प्लस, तीन को एक से गुणा करेंगे तो तीन, इसी प्रकार इसको गुणा करेंगे, एक्स को एक से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर, माइनस का चिन्ह तो माइनस, एक्स को एक से गुणा करेंगे तो एक्स, प्लस का चिन्ह है तो पाँच को एक्स से गुणा करेंगे तो पाँच एक्स, और प्लस माइनस माइनस का तो पाँच को एक से गुणा करेंगे तो माइनस के पाँच। इन सबको लेफ्ट साइड में ले आते हैं राइट साइड से, तो दो एक्स स्क्वायर माइनस छः एक्स माइनस एक्स प्लस तीन, लेफ्ट साइड का तो ऐसे कैसे लिख दिया, और राइट साइड को इधर लाते हैं लेफ्ट में तो चिन्ह बदल देंगे, प्लस का एक्स स्क्वायर तो ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स है तो ये हो गया प्लस का एक्स, प्लस का पाँच एक्स है तो ये हो जाएगा माइनस का पाँच एक्स, और माइनस का पाँच है तो ये हो जाएगा प्लस के पाँच बराबर जीरो। अब देखिए दो एक्स स्क्वायर प्लस का है और एक्स स्क्वायर माइनस का है, इसलिए दो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर बच गया, छः एक्स माइनस के और माइनस का एक एक्स तो छः एक सात, माइनस के एक्स हो गए सात, और पाँच माइनस के बारह एक्स, छः और एक सात और पाँच बारह एक्स हो गए माइनस का, जिसमें से प्लस का एक एक्स गया तो बच गया ग्यारह एक्स, चाहे ऐसे कर लो एक प्लस का एक्स एक माइनस का एक्स कट गया तो माइनस के छः और माइनस के पाँच तो माइनस के ग्यारह एक्स, और पाँच प्लस का और तीन प्लस का तो ये हो गया प्लस के आठ बराबर जीरो। तो इसमें भी हमको एक्स की अधिकतम घात दो है, अधिकतम घात इसमें कितनी प्राप्त हो रही है दो, अतः ये द्विघात समीकरण है, ये भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो रूप की है, एक्स की घात अधिकतम दो है, इसमें ये देखना होता है कि एक्स की घात अधिकतम कितनी है, तो ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन का छठा, इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एक, ये तो ऐसे कैसे लिख लिया, इसको फॉर्मूले से करेंगे अपन, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले पर रखेंगे तो एक्स क्या है ए और दो क्या है बी, तो ए और बी की जगह ये रख देंगे एक्स और दो, तो ए की जगह रखेंगे एक्स, तो एक्स का क्या हो गया स्क्वायर माइनस दो, ए की जगह रखेंगे एक्स गुणा एक्स, और बी की जगह रखेंगे दो गुणा दो, प्लस बी की जगह क्या रखेंगे दो, और दो का क्या है वर्ग, बी का वर्ग है इसलिए दो का भी वर्ग स्क्वायर हो गया। अब इसको करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एक बराबर एक्स स्क्वायर दो दुना चार, ये माइनस का चिन्ह तो माइनस आ जाएगा, माइनस का चार एक्स प्लस दो दुना चार। अब राइट साइड में जो संख्या उनको लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एक, ये राइट लेफ्ट साइड की तो ऐसे कैसे लिख दी, इसको इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का है, सामने कोई चिन्ह नहीं होता इसका मतलब प्लस का, तो इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का चार एक्स है तो बाई तरफ ले जाएंगे तो प्लस का चार एक्स, प्लस का चार है तो माइनस का चार बराबर जीरो, ये सारी संख्या को इधर लेंगे तो इधर राइट में कुछ नहीं बचा जीरो। इसको सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का से कट गया एक्स स्क्वायर माइनस का, चार एक्स प्लस के और तीन एक्स प्लस के तो चार और तीन सात एक्स, माइनस के चार में से प्लस का एक गया तो माइनस का तीन बराबर जीरो। तो यहाँ पे देखो एक्स की अधिकतम घात क्या है एक, एक्स की अधिकतम घात है एक है, अतः यह है द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है द्विघात समीकरण कब होती है जब एक्स घात दो होती, तो यहाँ पे एक्स घात एक है इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। तो सातवां क्वेश्चन करते हैं पहले का, इसमें एक्स प्लस दो की घात होल स्क्वायर तीन है, होल क्यूब है स्क्वायर नहीं क्यूब,
एक्स प्लस दो की होल क्यूब है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस तीन ए स्क्वायर बी प्लस तीन ए बी स्क्वायर। ए प्लस बी का क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस तीन ए स्क्वायर बी प्लस तीन ए बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से इसको सोल्व कर लेंगे तो ये ए की जगह तो एक्स लिखेंगे और जहाँ जहाँ बी है वहाँ दो लिखेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा ए ए की जगह क्या आएगा एक्स, तो एक्स का क्यूब और बी की जगह आएगा दो तो दो का क्यूब प्लस तीन ए की जगह आ गया एक्स तो एक्स का क्या आएगा स्क्वायर और बी की जगह आएगा दो प्लस फिर तीन ए की जगह आएगा एक्स और बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा दो का स्क्वायर बराबर। इसको सॉल्व कर लेते हैं दो एक्स को एक्स से गुणा किया तो दो एक्स स्क्वायर एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो स्क्वायर माइनस है तो माइनस दो एक्स को एक से गुणा करेंगे तो दो एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं एक्स क्यूब प्लस दो घात तीन है तो दो की घात तीन है तो इसको लिख सकते हैं अपन दो गुणा दो गुणा दो दो दुना चार दो तीन दो दुना चार चार दुनी आठ दो घात तीन है तो दो को तीन बार गुणा करेंगे तो आठ आ जाएगा प्लस तीन को दो से गुणा किया तो तीन दुना छः और एक्स स्क्वायर प्लस इसी प्रकार दो को करेंगे स्क्वायर तो दो दुना चार और चार को तीन से गुणा करेंगे तो चार थियो बारह एक्स इनको इधर ले आएंगे तो माइनस दो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का इसलिए माइनस का हो गया और ये माइनस का दो एक्स है तो यही हो जाएगा प्लस का दो एक्स बराबर जीरो। इन दोनों संख्याओं को लेफ्ट साइड लिया है अपन तो राइट साइड में बच गया जीरो। अब इसको सॉल्व करते हैं एक्स क्यूब स्क्वायर वाली संख्या देखते हैं छः एक्स स्क्वायर प्लस के हैं दो एक्स स्क्वायर माइनस के तो छः में से दो गए तो बच गए प्लस के चार एक्स स्क्वायर फिर बारह एक्स और प्लस के दो एक्स बारह प्लस के और दो भी प्लस के तो बारह और दो चौदह एक्स और ये आपका बच गया प्लस का आठ बराबर जीरो। तो यहाँ पे एक्स की अधिकतम घात देख रही है तो एक्स की अधिकतम घात कितनी है एक्स घात तीन है अतः यह है द्विघात समीकरण नहीं है तीन है इसका मतलब त्रिघात समीकरण है द्विघात समीकरण नहीं है। ये सवाल आपको कर लिया इसमें एक्स प्लस दो का होल क्यूब है इसको सॉल्व करना है बस इस फॉर्मूले का ध्यान रखना इस फॉर्मूले से इसको खोल लेना और इसको फिर पिछले जो क्वेश्चन किए हैं वैसे हो जाएगा। नेक्स्ट है आठवां सवाल तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगेगा तो हम यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं जिससे ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस तीन ए स्क्वायर बी प्लस तीन ए बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे माइनस है और हम यहाँ प्लस ले रहे हैं तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि बी वाली जो संख्या है उसको चिन्ह सहित ले लेंगे तो अपना आंसर सही आ जाएगा तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो कैसे लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस चार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक बराबर ये तो ऐसे कैसे लिख लिया। अब इसको एक्स ए एक्स जगह ए और दो की जगह बी यानी कि जहाँ जहाँ एक्स ए है वहाँ एक्स लिख देंगे और जहाँ पर बी है वहाँ माइनस दो लिखेंगे चिन्ह से क्योंकि ये एक्स माइनस दो है और हमें ए प्लस बी का फॉर्मूले के हिसाब से कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको चिन्ह के लिए कन्फ्यूज नहीं होना पड़ेगा इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया ए माइनस बी का होल क्यूब इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वहाँ प्लस माइनस में गड़बड़ हो सकती है। तो ए की जगह आ जाएगा एक्स एक्स का क्यूब ए क्यूब है इसलिए एक्स का क्यूब प्लस बी क्या है माइनस दो चाहे यहाँ लिख लो ए बराबर एक्स और बी बराबर माइनस के दो है। तो अब यहाँ पे
ए है वहाँ एक्स लिख दो, जहाँ बी है वहाँ वहाँ माइनस दो लिख दो, फिर सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। ए यहाँ आ गया एक्स का क्यूब, बी तो माइनस के दो का क्यूब प्लस तीन, ए की जगह लिख देंगे एक्स, तो एक्स का स्क्वायर गुणा बी क्या है माइनस दो प्लस तीन है, ए की जगह आ जाएगा एक्स और बी की जगह आ जाएगा माइनस दो का स्क्वायर, बी स्क्वायर है तो माइनस दो का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक सोल्व कर लिया तो इसको ऐसे लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस चार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक, ये तो ऐसे कैसे लिख लिया, इसको सोल्व करते हैं एक्स क्यूब। अब देखिए कोई संख्या की घात यदि सम संख्या में है और संख्या माइनस में है तो ये प्लस में आंसर आता है, जैसे करके देखते हैं माइनस दो की घात तीन है तो कैसे करेंगे माइनस दो गुणा माइनस दो गुणा माइनस दो, तो इसको सॉल्व करते हैं माइनस माइनस दो दुना चार तो ये प्लस का हो गया माइनस माइनस प्लस, फिर इसको गुणा करेंगे इस माइनस दो से तो ये आएगा प्लस माइनस माइनस आठ। तो अगर घात विषम संख्या में है तो माइनस में आएगा चिन्ह और अगर सम संख्या में होती तो ये प्लस में आता, तो ये माइनस में है इसलिए माइनस में दो का घन किया तो आ गया आपका आठ प्लस तीन, ये प्लस में और ये माइनस में तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस तीन दुना छः एक्स स्क्वायर, तीन को दो से गुणा किया तो छः माइनस का हो गया और एक्स स्क्वायर। अब ये दो दुना चार मैंने अभी बताया, जैसे माइनस दो है इसका वर्ग करते हैं तो माइनस दो गुणा माइनस दो, तो दो दुना चार माइनस से माइनस कट गया दो दुना चार तो ये आ जाएगा चार हो गए, और चार को तीन से गुणा करेंगे तो चार थियो बारह तो प्लस का आ गया बारह एक्स। अब इस राइट साइड की जो भी संख्या है उनको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो राइट लेफ्ट साइड की तो ऐसे कैसे लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस चार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक, ये माइनस का हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, ये प्लस का हो जाएगा आठ, ये प्लस का हो जाएगा छः एक्स स्क्वायर और ये माइनस का हो जाएगा एक्स बारह। अब इसमें प्लस का एक्स क्यूब है ये माइनस का एक्स क्यूब है ये कट गया, अब स्क्वायर वाली संख्या छः एक्स स्क्वायर प्लस में और माइनस की चार एक्स स्क्वायर है तो छः में से माइनस के चार गए तो दो एक्स स्क्वायर, माइनस के बारह एक्स और माइनस का एक्स तो माइनस के तेरह एक्स, तो ये माइनस माइनस के हैं दोनों तो माइनस में जुड़ जाएंगे बारह और एक तेरह एक्स और ये हो गया आठ प्लस का और एक प्लस का तो हो गया आठ एक नौ बराबर जीरो। तो यहाँ पे एक्स की अधिकतम घात दो है, एक्स की अधिकतम घात दो है अतः यह है द्वि घात समीकरण है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के आठ पार्ट थे, ये आपके कंप्लीट हुए। सेकंड क्वेश्चन के चार पार्ट हैं, तो निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, तो इन समीकरणों को हमको द्विघात के रूप में प्रदर्शित करना है, आगे सॉल्व नहीं करना, केवल यहाँ पे हमको द्विघात समीकरण का रूप पूछा है। तो पहला क्वेश्चन है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है तो हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो हमको इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। माना भूखंड की चौड़ाई बराबर एक्स, तो लंबाई भूखंड की होगी, क्वेश्चन में बोल रहा है कि चौड़ाई हमने एक्स मानी है उसका दुगुना से एक ज़्यादा है, लंबाई भूखंड की चौड़ाई एक्स है
उससे दुगुने से एक ज़्यादा है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल हमको क्वेश्चन में दे रखा है 528 दे रखा है। लंबाई आई हमारी 2x+1 और चौड़ाई है x, तो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का, और क्षेत्रफल हमको 528 दे रखा है। तो 528 बराबर 2x को x से गुणा करेंगे, 2x² x को x से गुणा किया तो x² प्लस का चिन्ह तो प्लस ले लेंगे, x को 1 से गुणा करेंगे तो x, 2x² प्लस x, 528 को इधर लेके आएंगे तो माइनस को हो जाएगा 528 बराबर 0। तो ये द्विघात रूप में आपने लिख दिया। तो यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 रूप में है। अतः यह द्विघात समीकरण का रूप है। सेकंड क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। माना एक पूर्णांक बराबर x तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक यानी कि x के बाद वाला, तो x के बाद वाला हो जाएगा x+1। तो प्रश्नानुसार हमसे क्या कह रहा है, इन दोनों का गुणनफल 306 है यानी x और x+1 का गुणनफल 306। दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो इसको इससे गुणा कर लेंगे तो x² प्लस x को 1 से गुणा करेंगे तो x बराबर 306, तो x² प्लस x, ये इसको इधर लाओगे तो माइनस को हो जाएगा, माइनस का 306 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है, ये है द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की आयु हम x मान लेते हैं तो माँ की आयु x+26 हो जाएगी। तो 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, 3 वर्ष बाद गुणनफल 360 है तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखो कैसे करते हैं, माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष, तो माँ की आयु हो जाएगी आपकी x+26, क्योंकि रोहन की आयु x मानते हैं तो रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी बता रहे हैं तो x+26 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद आयु हो जाएगी रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद हो जाएगी x+3 और माँ की आयु हो जाएगी x+26, तो वर्तमान आयु थी इसमें 3 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी x+26 और 3 29। तो ये आई है आपके 3 वर्ष बाद की है और ये वर्तमान है। अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाता है,
एक्स प्लस 3 रोहन का आयु और माँ की आयु है एक्स प्लस 29, इन दोनों का गुणनफल हो जाता है 360। तो इसको सॉल्व करते हैं उसी तरह, x से इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे प्लस 3 से फिर इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे, x x प्लस 29 प्लस 3 x प्लस 29 बराबर 360। तो x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, 29 को x से करेंगे तो 29 x, इसी प्रकार प्लस 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x, और प्लस 29 को 3 से गुणा करेंगे तो 87 बराबर 360। अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87, 360 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 360 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर अब 29x प्लस के हैं और 3x भी प्लस के हैं, तो 29x और 3x कितने हो जाते हैं, 29 और 3 32x, और माइनस के 360 में से प्लस के 360 में प्लस के 87 घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 273 बराबर 0। 360 में से आप प्लस के 87 घटा लेना। कभी भी जब घटाते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं, जो ऐसे करते हैं 360 माइनस का है और 87 प्लस का है, सामान्य घटा लो, ये 0 है तो 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गए तो बच गए 3, इसकी असल याद दी ये हो गए 9 और ये हो जाएगा 16, 6 में से तो घटेगा नहीं 9, तो ये 16 में से 9 गए तो 7 और ये हासिल इधर आ जाएगी 1, तो 3 में से 1 गया तो 2, 273 आया। और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दो, कभी भी माइनस प्लस के घटाव गलत नहीं होंगे, तो ये आ गया आपका। तो यहाँ पर एक्स की अधिकतम घात 2 है, अतः यह है द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। दूसरे का लास्ट चौथा क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चौथा सवाल है, दूरी हमको दे रखी है 480 किलोमीटर, दूरी हमको दे रखी 480 किलोमीटर, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर, समय बराबर होता है सूत्र दूरी बटा चाल, ये फॉर्मूला याद कर लेना, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब प्रश्नानुसार करते हैं, समय प्रारंभ में समय मान लेते हैं t1, दूरी हमको दे रखी है 480 और चाल दे रखी है x, चाल हमने क्या मानी थी f, तो हम 480 बटा x लिख लेंगे, ये समीकरण एक आ गया। चाल कम होने के बाद, चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम हो जाती है तो कितना समय लगेगा, तो समय ये समय हमने मान लिया t2, तो दूरी तो वही है 480 और चाल x की कम हो जाती है 8, तो x में से 8 घटा देंगे तो ये हमें दूसरी समीकरण प्राप्त हो गई। यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होने पर जो समय लगता है उसको मान लिया t2, तो 480 बटा x माइनस 8। अब ये कह रहा है कि चाल कम होने के बाद ट्रेन अर्थात रेलगाड़ी 3 घंटे अधिक लेती है, तो t2 में से t1 घटा देंगे,
तो टी टू माइनस टी वन बराबर कितना समय अधिक लेती है, तीन, तो आ जाएगा तीन। दोनों समय का अंतर कितना आ जाएगा, तीन। तो टी टू का मान है 480 बटा एक्स माइनस आठ, माइनस टी वन का मान है 480 बटा एक्स बराबर तीन। यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं, एक्स माइनस आठ गुणा एक्स, तो एक्स माइनस आठ से एक्स माइनस आठ कट गया तो बच गया 480 एक्स, तो ये लिख दिया 480 एक्स। ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का गया, एक्स एक्स कट गया, तो 480 को इससे गुणा कर देंगे एक्स माइनस आठ से बराबर तीन। देखो सोल्व कर लो दोबारा, एक्स माइनस आठ से ये कट गया तो ये एक्स बच गया, तो इसको इससे गुणा कर दिया, ये एक्स एक्स कट गया तो ये 480 को इससे गुणा कर दिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 480 एक्स माइनस 480 को एक्स से गुणा करो तो 480 एक्स, और माइनस माइनस हो गया प्लस, 480 को 8 से गुणा करो तो 8 को 0 से गुणा किया तो 0, 8 को 8 से गुणा करोगे तो 8 8 64, हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38 बटा, इसको इससे गुणा कर लो, x को x से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 को x से गुणा करेंगे तो 8x बराबर 3। देखिए 480x प्लस का है और ये 480x माइनस का है तो ये कट गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 3840 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3, 3 के बटा में 1 लिख लेंगे, कुछ नहीं है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अर्थात वज्र गुणा, तो 3840 को 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, और 3 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो 3840 बराबर 3 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस का चिन्ह माइनस 8 24x, इसको इधर ले आएंगे 3x स्क्वायर माइनस 24x, तो इधर है ही, इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 3840 बराबर 0। अब इसमें 3 का भाग दे देते हैं, 3 का भाग देने पर तीन का भाग देंगे तीन से तीन कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इसमें तीन का भाग देंगे तीन आठ 24 तो 8x आ जाएगा, माइनस इसमें तीन का भाग दो तीन एकम तीन, आठ में तीन का भाग देंगे तो तीन दो ना छः, दो बच गया दो, ये 24 हो गया, तीन आठ 24 और ये 0 बराबर 0। तो ये एक्स घात 2 के रूप में आता है, यह द्विघात समीकरण है। तो ये आपकी 4.1 प्रश्न वाली कंप्लीट होती है। वीडियो को अच्छी तरह देखें, पेन कॉपी साथ में लेके बैठें, सवाल साथ साथ करते जाएं, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। कीप वॉचिंग, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।